Hello friends, today we will discuss one more question on CSIR NET 2070 part C. Consider a function fz is equal to sin pi z divided by 2 or whole divided by sin pi z. Then f has pole at number 1 all integers, number 2 all even integers, number 3 all odd integers, number 4 all integers of the form 4k plus 1 where k belongs to integer. तो इसके लिए सबसे पहले हम पोल चेक करेंगे और पोल चेक करने के लिए हमें जो हमारे पास फंक्शन है एफ जेड उसके डिनोमिनेटर को जीरो रखना होता है, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जेड इज इक्वल टू ज़ीरो दोनों की जीरो है, न्यूमरेटर की भी जीरो है और डिनोमिनेटर की भी जीरो है. तो सबसे पहले इस हमारे जो फंक्शन है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एफ जेड इज इक्वल टू साइन पाई जेड डिवाइड बाई टू साइन पाई जेड. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, साइन पाई जेड डिवाइड बाई टू और इसमें हम क्या करेंगे एंगल में टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड पाई जेड बाई टू. फिर हमारे पास हमें ये पता है साइन साइन टू थीटा का फॉर्मूला, टू साइन थीटा कोस थीटा. तो इस फॉर्मूले से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन पाई जेड डिवाइड बाई टू और होल डिवाइड बाई टू साइन पाई जेड बाई टू कोस पाई जेड बाई टू. तो हमारे पास ये साइन पाई जेड बाई टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फंक्शन आया वो आया वन बाई टू कोस पाई जेड बाई टू. तो हम इस फंक्शन को लेकर के चलेंगे, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन आया है वो ये होगा वन बाई टू कोस पाई जेड बाई टू. तो पोल्स के लिए हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर को हमने जीरो के बराबर रखना होता है. तो फॉर पोल्स, फॉर पोल्स टू कोस पाई जेड बाई टू इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से टू टू इज नॉन जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट कोस ऑफ पाई जेड डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज दैट पाई जेड डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, टू एन प्लस वन पाई बाई टू. तो पाई बाई टू दोनों तरफ से कैंसिल, तो हमारे पास जेड की जो वैल्यू आई जेड इज इक्वल टू टू एन प्लस वन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर. तो यहाँ हम ऑप्शंस को देखें, हमारे जो हमारे पास जो पोल आए हैं वो सारे ओड नंबर हैं. तो यहाँ ऑप्शंस को देखें कि फॉर ऑल ऑल ओड इंटीजर्स और हमारे पास सारे इंटीजर आए हैं वो ओड हैं, तो थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा. और जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है उसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं. क्योंकि अगर हम इफ वी टेक एन इज इक्वल टू टू के, एन इज इक्वल टू टू के हम ले लेते हैं, के बिलोंग्स टू इंटीजर. तो जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 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 के प्लस वन और के बिलोंग्स टू इंटीजर. तो हमारे पास आ जाएगा फोर के प्लस वन और के बिलोंग्स टू इंटीजर.
तो इसको हम देखें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं वो एक तो फर्स्ट है और एक हमारे पास सेकंड है। फर्स्ट क्या है कि f हैज पोल एट ऑल इंटीजर्स और ऑल इवन इंटीजर्स। तो हम इवन इंटीजर के ऊपर ही चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे, तो पर्टिकुलरली हम z इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। टेक z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, z इज इक्वल टू 2 के ऊपर हम फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी आएगी तो पोल हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं हम लिमिट z टेंस टू 2 fz, लिमिट z टेंस टू 2 और हमारे पास fz की जो वैल्यू है 1/2 cos पाई z डिवाइड बाई 2। तो यहाँ हम z इज इक्वल टू 2 रखें तो 1/2 cos पाई, यहाँ 2 और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो cos पाई माइनस 1, यानी कि हमारा आया माइनस 1/2। माइनस 1/2 आया तो हमारे पास इन्फिनिटी तो आया नहीं, यानी कि ये तो हमारा क्या आ गया, एग्जिस्ट कर गया। तो क्या होगी, ये तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। रिमूवल सिंगुलरिटी हो जाएगी, पोल तो है नहीं, तो फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए तो हमारे पास ये होगा नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया और इवन 2 के लिए भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को अच्छे से देख पा रहे हैं कि हमारे ऑप्शन थर्ड और फोर्थ करेक्ट हैं और फर्स्ट एंड सेकेंड रॉन्ग ऑप्शन हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।